Hey friends, welcome back to my YouTube channel, Love You Zindagi and I am Priya. Guys, और आज हम बनाने जा रहे हैं crispy potato slice. जी हाँ, इसे हम आलू के गोल पकौड़े भी बोल सकते हैं. इन्हें ब्रेकफास्ट में बहुत चाव से खाया जाता है और हम इन्हें इवनिंग स्नैक में भी बना सकते हैं. तो चलिए देखते हैं crispy potato slice बनाने के लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी. क्रिस्पी पोटैटो स्लाइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा आलू कट किया है, जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है. ये देखिए, इस तरह से आप गोल स्लाइसेस में आलू को कट कर सकते हैं और इन्हें पानी में भिगोकर रख दें, वरना आलू का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा. यहाँ मैंने एक कटोरी बेसन लिया हुआ है, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, यहाँ पर नमक है जो आप स्वाद अनुसार लीजिएगा, यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया हुआ है, हमने कोरिएंडर लीव्स ली हुई हैं, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स हैं, इन्हें बारीक बारीक कट करके हम इसमें डालेंगे. सबसे पहले हम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं. उसके लिए मैं यहाँ पर बेसन ले रही हूँ. पहले हम थोड़ा बेसन यूज़ करेंगे. इसमें एक चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे, गरम मसाला डालेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे जो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग करिएगा, और यहाँ मैंने कुछ कोरिएंडर लीव्स ली हैं, इनको ऐड करेंगे. बारीक बारीक चॉप करना है हमें. आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं, हल्की सी हींग डाल सकते हैं एक पिंच. ये देखिए, ये मिक्सचर कुछ इस तरह दिखेगा. अब हम इसे हल्का हल्का पानी डाल के फेटेंगे. हमें इस मिक्सचर को, इस बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है, बैटर थिक रखना है, इसलिए हम हल्का हल्का पानी डालेंगे और इसे हम फेटेंगे अच्छे से, जब तक इसके लम्स ख़त्म नहीं हो जाते. ये देखिए, आप चाहें तो विस्कर की हेल्प से भी इसे विस्क कर सकते हैं. हल्का पानी और डालेंगे. हमें इस मिक्सचर को इतना थिक रखना है, इतना इस बैटर को थिक रखना है कि जब हम ये आलूओं पे इसकी कोटिंग करें तो ये अच्छे से कोट हो जाए आलू, क्योंकि ज़्यादा पतला होगा तो कोट नहीं होंगे पोटैटो. ये देखिए, इसे अच्छे से फेटेंगे. जो बाकी का बचा हुआ बेसन था इसे भी ऐड कर लेते हैं और इसे भी इसी में इसी तरह फेंट लेते हैं. हम थोड़ा थोड़ा बेसन इसलिए डाल रहे थे क्योंकि अगर गलती से भी पानी ज़्यादा पड़ जाता है तो हम उस बेसन को, सूखे बेसन को डाल के जो बैटर है उसे थिक कर सकते हैं. ये देखिए, लगातार फेंटेंगे इसे. इसमें अभी काफ़ी लम्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बिल्कुल ख़त्म करना है हमें लम्स को. और जब तक मैंने यहाँ पर एक पैन लिया हुआ है, इसमें मैंने इस पैन में रिफाइंड लगाया हुआ है डीप फ्राई करने के लिए, और गैस को ऑन कर देते हैं. पैन को तब तक गर्म होने देते हैं, जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है हम इस मिक्सचर को यूं ही फेंटते रहेंगे. ये देखिए, बैटर कुछ इस तरह दिख रहा है. इसमें हल्का सा पानी और लगाएंगे, बस इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं देना है. आपको मैं ये बताना चाहूँगी, एक कटोरी बेसन में हमने सिर्फ आधा कप पानी लगाया है, छोटा कप, और आधे छोटे कप पानी में ये मिक्सचर बनके हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है. आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं. ये देखिए, बेसन हमारा रेडी है और पैन हमारा गर्म हो रहा है. तब तक ये देखिए फ्रेंड्स, पैन हमारा गर्म हो गया है, रिफाइंड भी गर्म हो गया है और मिक्सचर हमारा यहाँ पर रेडी है. हम इसमें ये पोटैटो के जो स्लाइसेस हैं इन्हें ऐड ऐसे करेंगे. थोड़े स्लाइसेस हम ऐड करते हैं और अपने हाथों से इन्हें कोट कर लेंगे इसमें, इस बेसन में.
आप चाहे तो स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से ये इजीली कोट हो जाते हैं। और अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से इन्हें कोट किया, ये कुछ इस तरह दिखेंगे। और इन्हें हम इस रिफाइंड में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारे स्लाइसेस को इसी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पोटैटो के स्लाइसेस हमने डाल दिए हैं। गैस हमारी मीडियम फ्लेम पर है और हम इन्हें गोल्डन होने तक डीप फ्राई करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं जो हमने पहले डाले हैं। ये देखिए ये अभी हुए नहीं है, हम इन्हें गोल्डन होने तक डीप फ्राई करना है। ये बहुत ही झटपट बनने वाला स्नैक है, ये बहुत जल्दी बन जाता है और ये खाने में भी बहुत ही यम्मी है। बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में और ठंड के मौसम में इसे बनाना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि तब हर इंसान इसे बहुत चाव से खाना पसंद करता है। ये देखिए एक साइड से ये हो गए हैं, हम दूसरी साइड से भी इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक। इनको हम एक बार पलट लेंगे क्योंकि ये एक साइड से बिल्कुल कुक हो गए हैं, बहुत अच्छे से डीप फ्राई हो गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गोल्डन हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, डीप फ्राई होके हमारे जो पोटैटो स्लाइसेस हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। हम इन्हें निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर सर्विंग प्लेट ली है जिसपे मैंने नैपकिन पेपर लगाया हुआ है, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इसमें निकल जाएगा। इसी तरह से सारे निकाल लेते हैं हम। ये देखिए हमारे पोटैटो स्लाइसेस बनके बिल्कुल रेडी हैं और ये कुछ इस तरह दिख रहे हैं। इसी तरह से हम बाकी के पोटैटो स्लाइसेस भी बना के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, क्रिस्पी पोटैटो स्लाइसेस बनके बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं और ये बहुत ही झटपट बन गया है। अगर आपको बहुत जल्दी है और ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक में कुछ अच्छा सा बनाना है, टेस्टी सा बनाना है, तो आप इन्हें बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही अच्छी डिश है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को सबके साथ शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय।